हेलो, मैं मोहम्मा किचन इंडिया मोहम्मा में आप सबों का स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल का पहले सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि मैं अपने वीडियोस को आगे बढ़ा सकूं। और आप लोग की मदद के बिना इसे आगे बढ़ाना मुश्किल है। आप लोग के सामने में मैं नया नया रेसिपी सब लाने की कोशिश करूंगी। तो आज मैं आप लोगों को पम्पलेट करी बना के दिखाने जा रही हूँ। और आप तो जानते ही, मछली में ओमेगा 3 है और फैटी एसिड है, जो सभी के लिए बहुत अच्छा है। और ये सी फिश है, ये तो और भी अच्छा होता है, विशेषकर हार्ट के पेशेंट या जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए कैंसर प्रतिरोधक है, ये सबके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो मेरा ये रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। हाँ, तो मैं अब पॉम्पलेट मछली बनाने चलूँ। पहले मैंने इसे धोकर, 4 पॉम्पलेट मछली को, ये छोटी छोटी है, अच्छी तरह धोकर ये काट के मैं बीच में काट काट के लाई थी कि मसाले इसमें घुसेंगे, मसाले अच्छा से इसमें जा सकेंगे लग भीतर जाएंगे भीतर तक। तक। और इसे धोकर मैं हल्दी और विनीगर लगाकर और थोड़ी सी नमक लगाकर रखी। और इसे मैं अभी मसाले के साथ थोड़ा सा मैरिनेट करके 10 मिनट रख दूंगी। तो मसाले में आप 10 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। अच्छा, इसके पहले अपने फर्स्ट स्टेप में इसको आपने मैरिनेट किया, विनीगर विनीगर दे करके, धोकर, हाँ, विनीगर हल्दी और थोड़ी नमक सी नमक लगा देकर के आपने मैं इसको फ्रिज में 1 घंटा के लिए रख 1 घंटे देती के लिए हूँ। छोड़ हाँ, देता है। अच्छा, अब मैं इसे अब इन मसालों से आप मसाले के कीजिए। साथ मैरिनेशन करके 10 मिनट रख के फिर फ्राई करके फिर उसका करी बनाऊंगी। अच्छा, तो ये आप क्या क्या मसाले देने जा रही हैं? हाँ ना, ये मसाले का आप ये बता दीजिए, हाँ इंग्रेडिएंट्स क्या मसाले क्या का है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या पहले है? मैंने अभी इसको मैरिनेशन के लिए ये मसाले डाल रही हूँ। अदरक लहसुन की पेस्ट है, लाल मिर्च पाउडर है। ये आप आधी चम्मच करके ले रही हैं। हाँ ये दो चीज लिया, हाँ थोड़ा थोड़ा कश्मीरी मिर्च भी डाल कश्मीरी दूंगी। मिर्च डालिएगा। अच्छा, अब क्या दीजिएगा इसमें? अब आप और मैं इसमें थोड़ा सा चावल का पाउडर डालूंगी, अच्छा कितना दे रही है? थोड़ा सा दे रही थोड़ा है। सा। अच्छा, इसके बाद और क्या देंगे हाँ, इसमें? अभी इसको इसी तरह से बस, करके अच्छा, मैं रख दूंगी। इसको बस हाँ रख देना है। हाँ अच्छा, अभी कुछ दस और नहीं मिनट के मिलाना लिए है? नहीं, थोड़ा अच्छा, इसको ऐसे मसाला लगाकर फिर मैं फ्राई करूंगी, फिर उसके बाद करी बनाऊंगी। देखिए इस वो तरह बाकी से। मसाले जो आपके रखे हैं वो करी बनाने के लिए है। हाँ, अच्छा, ठीक इसे है। मैं बाद में बता रही हूँ क्या क्या मसाला डालना है। ये अंदर तक इस अंदर तक चले मसाले जाए, को उसका कोशिश करें उसके अंदर तक हाँ घुसाने के। हैं, टेस्ट अच्छा लगेगा। अच्छा, इस तरह से ये चारों मछली में आप लगाने जा रहे हैं। तो अब आप ये पम्पलेट मछली का 10 मिनट हो चुका है हाँ, मैरिनेशन का, तो मेरा अब दस आप मिनट हो चुका है मैरिनेशन का। अब मैं इसे फ्राई करके इसका करी बना के दिखाऊंगी। तो अच्छा, करी बनाने के लिए मैंने ये ये अपने प्याज प्याज को काट के रखी। नहीं, ये प्याज किस लिए है? ये ये वाले, प्याज की पेस्ट है अच्छा, ये और ये काट प्याज कट के के रखी रखी है। हूँ। अच्छा, ये थोड़ी सी पीला कैप्सिकम मेरे पास था, ये भी डाल रही ओ, हूँ। पीला कैप्सिकम है, हाँ, ये देखने था में मेरे टमाटर पास। जैसा लग रहा है। टमाटर का पेस्ट है, पेस्ट है करी उधर, पत्ता है, धनिया पत्ती है और ये हरी हरी मिर्च मिर्च है। है। और अदरक लहसुन को थोड़ा कूट के मैं रखी। अच्छा, मिर्च पाउडर है, मिर्च पाउडर थोड़ा और लगेगा। और ये तंदूरी मसाला है, अदरक लहसुन की पेस्ट भी थोड़ा है, जीरा पाउडर है, हल्दी है और कश्मीरी लाल मिर्च है। अच्छा, नींबू किस लिए रखी हैं आप? और थोड़ा नींबू भी ऊपर से मैं दूंगी। कब ये फ्राई करते समय? हाँ, बनाने के बाद भी दे सकते अच्छा हैं या अच्छा उस अच्छा समय अच्छा भी।
अब आप इसको किसी से बनाने जा रहे हैं? हाँ, इसे मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बनाऊंगी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। अच्छा, ये मैं इंडक्शन में बना रही हूँ, आप गैस के चूल्हा में भी बना सकते हैं। फेमस मछली है और बहुत टेस्टी भी होता है। तेल मेरी गरम हो चुकी है। मैं 4 चम्मच तेल ली हूँ। मस्टर्ड ऑयल से मैं इसे बना रही हूँ। अब मैं मछली फ्राई करने जा रही हूँ। इसे कितना फ्राई कीजिएगा? इसे कितना फ्राई कीजिएगा? अच्छा इसे थोड़ा लाल लाल करके फ्राई करेंगे। थोड़ा अच्छा लाल हो जाएगा तो खाने में अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा इसे कच्चा बना सकती थी? हाँ, कच्चा भी बनता है लेकिन ऐसे फ्राई करके बनाने से थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। आप किसी तरह से भी बना सकते हैं। अच्छा ऊपर है या पलट रहे हैं, उलट पलट के इसे फ्राई कर रहे हैं? एक तरफ बन इसको, दूसरी तरफ बनता भी। एक तरफ फ्राई हो एक तरफ फ्राई हो चुकी है चुकी इसको फ्राई करने डाल रहे हैं। अच्छा, फ्राई हो चुकी है ना, आप निकाल ले रहे हैं। अब आप इसमें फिर तेल दे रही हैं, हाँ, फिर थोड़ा तेल इसे डालूंगी। कढ़ी बनाना है ना? हाँ, और मैं ये राई का फोरन डालूंगी। अच्छा, राई का फोरन दी। अच्छा, अब क्या देने जा रही हैं आप इसमें? कड़ी पत्ता। ओ, कढ़ी पत्ता। प्याज डाल रही हूँ, कटी हुई प्याज थोड़ी सी। ज्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं, ज्यादा नहीं लगेगी इसलिए ज्यादा नहीं डाली, मगर मैं काट के रखी थी थोड़ा ज्यादा ही। आप क्या दे रहे हैं आप इसमें? कुटी हुई अदरक और लहसुन। इसमें अदरक लहसुन थोड़ा ज्यादा रहने से अच्छा ही लगता है। ठीक ठीक सर, इसलिए अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, सी फी सने खा रहे हैं। अच्छा लगता है टेस्ट। और ये सब तो हेल्थ के लिए भी अच्छा ही है अदरक लहसुन। जो नहीं खाते अदरक लहसुन, अपना पसंद नहीं करते, वो अपना मत डाले, कम ही डाल के बनाए। अब मैं इसमें प्याज की पेस्ट डाल रही हूँ। तीन चम्मच के करीब डाली है। अब मैं इसमें जीरा पाउडर डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर भी डाल दी, थोड़ा सा अदरक लहसुन की पेस्ट भी थोड़ा डाल दी, थोड़ा सा अदरक लहसुन की पेस्ट भी थोड़ा डाल दी, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मसाला भूनने के लिए, नहीं तो फिर मसाला जल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कड़ी पत्ता और थोड़ी सी डाल दी और तंदूरी मसाला मैं आधा चम्मच के करीब डाल दी। कड़ी पत्ता और तंदूरी मसाला आपने डाला। अब आप देने जा रहे हैं मिर्चा पाउडर। मिर्चा पाउडर थोड़ा पानी मिला रहे हैं जिससे मसाला जले नहीं। कम से डाल ये कैप्सिकम देखने में तो टमाटर जैसा। नहीं, पीला कैप्सिकम है मेरे पास था। आप इसे नहीं भी दे सकते हैं, आप हरा वाला ही डालें। मेरे पास था इसलिए मैंने डाली। कैप्सिकम जो नहीं खाते वो नहीं भी डालें। टमाटर की पेस्ट डाल दी मैं 2 चम्मच, 1.5 चम्मच के करीब टमाटर की पेस्ट डाल दी। स्वाद के नमक अनुसार नमक डालिए।
थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ टेस्ट के लिए, रंग बढ़ाने के लिए। मेरा मसाला फ्राई हो चुकी है, तेल निकलने लगी है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, देखिए जितना ढोल चाहिए उतना पानी डालिए। हाँ, जितना ढोल चाहिए, ऐसे गाढ़ा ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है। ऐसे आपकी मर्जी है, आप ज़्यादा ढोल जितना कड़ी आपको चाहिए उतना कड़ी डालिए। जो मैं फ्राई करके रखी इसको भी डाल रही हूँ। कितना देर होगा? एक दो मिनट, जल्दी हो जाएगा, 1-2 मिनट में ही बन जाएगा। क्योंकि मछली को फ्राई किया हुआ है, आपका करी भी तैयार है। हाँ, अब मैं थोड़ा इसमें नींबू का रस भी डाल जाएगी, डाली मैं थोड़ा नींबू का रस डालती और थोड़ा धनिया पत्ती भी डालती। तो आपका ये तैयार हो गया। हाँ, तो अभी तो ये परोस रहे हैं आप खाने के हाँ लिए। ये मैंने अब सर्व करने जा रही हूँ सभी को खिलाने। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा, मतलब कि मुझे लग रहा है कि बहुत कलरफुल बना है आपका ये हाँ, मछली, आप थोड़ा टेस्ट करके बताओ। और बहुत सुंदर बना होगा मुझे लगता है। हाँ, आप थोड़ा खा ये के आपके बताओ। किचन का एक शानदार रेसिपी, मैं जरा टेस्ट करके देखूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर बना, बहुत ही अच्छा बना है। क्या है इसका एक तीखा स्वाद है, वाह वाह, बहुत खूब। ये चावल के साथ या रोटी के साथ खाने मजा आ हाँ, जाएगा। बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरी पंपलेट मछली की रेसिपी आपको कैसी लगी? आप जरूर इसे बना के देखिए, ये आपको अच्छा लगेगा। चावल के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, अच्छा ही लगेगा। और इसे अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम आगे आपको और भी वीडियोज आपके सामने में ला सकूं, और आप भी मेरे परिवार का एक सदस्य बन जाएंगे, और सारे मेरे इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। शेयर भी करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सेहतमंद रहें।